हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिशा, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में ना सैटरडे आफ्टरनून से लेके संडे तक की रूटीन रहेगी। और ये वीडियो ना मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में अपने शेयर की है, पनीर कोल्हापुरी बनाया था सुबह के टाइम, यहीं पर ये वीडियो एंड की थी, तो यहीं से दूसरी वीडियो स्टार्ट की थी। तो मुझे लगा था वो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं आपको इस वीडियो में आगे का रूटीन शेयर करती हूँ। मतलब सैटरडे आफ्टरनून का टाइम था, खाना वगैरह खाया और थोड़ी देर के लिए बस बाहर निकल आए थे। यहाँ पे होम गुड्स आए थे, अभी समर का टाइम आ गया ना, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं समर की। वैसे हमें कुछ वैसा लेना नहीं था, बस डाइनिंग टेबल जो हमारा है ना वो कांच का है, तो थोड़ा उस पर स्क्रैचेस वगैरह आ रहे थे। हमें यहाँ पर जब हम स्टार्टिंग में आए थे ना, तो यहाँ से कुछ चीज़ें शॉपिंग की थी, फिर उसके बाद उसको रिटर्न की थी, तो उसका वो मिला था, मतलब पैसा नहीं मिलके ऐसे कार्ड मिला था, कूपन मिला था। तो हमें लगा वो है और यहाँ पर देख लेते हैं, अगर पसंद आएगा तो ले लेंगे। फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ था लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था, तो हमने नहीं लिया। बस थोड़ी बहुत वीडियो शूट की और इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें आए थे ना, लगता है कि सब चीज़ ले लो। बट वही रेंटेड अपार्टमेंट में रहता है ना, फिर मूव करना होता है तो सब सारा सामान फिर बहुत ज़्यादा फेंकना पड़ता है। तो यहाँ पे ये समर के लिए पॉट वगैरह आए थे। बस थोड़ी देर यहाँ पर घूमा और पास में ही मॉल है हमारे घर के, बहुत पास में ही, बस 5 मिनट के ही दूरी पर है, तो वहाँ पर चले गए थे थोड़ी देर के लिए। और ऐसा कुछ लेना नहीं था, बस घर पे बोर होता क्योंकि खाना वगैरह सारा काम हो गया है, बर्तन वगैरह अपने सब साफ करके आए। यहाँ पे आ गई थी जो Forever 21 करके है स्टोर, वहाँ पे ऐसे कुछ रबड़ वगैरह, हेयरबैंड वगैरह पे, क्लिप वगैरह पे ऑफर चल रहे थे, मतलब 50% 60% ऑफ चल रहे थे सब। तो बस यहाँ से कुछ कुछ ऐसा रबड़ वगैरह लिया, अभी घर पे चल के दिखाती हूँ। और अभी ये संडे का है आफ्टरनून का टाइम, और संडे का पूरा रूटीन ऐसे रहेगा इस वीडियो में। तो बस अभी कुछ नहीं था, घूम के हो गया, घर पे आ गई, और ये जो रबड़ और कुछ क्लिप लिया था वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं लेकिन थोड़े छोटे छोटे होते हैं, तो हम बहुत कम ही लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं। ये रबड़ का एक पेयर था, इसमें 3 था और अच्छा लग रहा था, और रबड़ मेरे सारे ख़राब हो गए थे, मुझे लेना ही था, लेने नहीं गई थी, बट ऐसे ऑफर में दिखा, डील में, अच्छी डील में दिखा तो ले लिया। एक ये है, इसमें 8, 9, 10 ऐसे करके है, पतला पतला ही, उसमें 3 का ही है। और एक छोटा सा ये क्लिप था, काफ़ी दिन मतलब लेना नहीं था, बस ऐसे दिखा, मुझे लगा चलो ले लेते हैं। तो घर पे आई हूँ, बस अभी 3-4 बजे का ऐसे टाइम हो रहा था, तो लगा कि कपड़े चेंज की चाय बना लेती हूँ। और रात में बस पराठे बना रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि रोटी बना रही हूँ सॉरी, क्योंकि सुबह की सब्जी थी और सुबह हमने जीरा राइस भी बनाई थी और वैसे गार्लिक रोटी टाइप बनाई थी, तो मुझे लगा इस टाइम प्लेन वो बना लेती हूँ, रोटी सेक लेती हूँ। यहाँ पे वही प्लेन रोटी सेक रही हूँ, एक साइड सब्जी गर्म करूँगी, तो आज रात का खाना ये रहेगा। उसके बाद में बस वही किचन वगैरह साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना, और ये सब करने के बाद में आज का रूटीन तो हो गया। अब अगले दिन संडे है, संडे का रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे जो कल मैंने रबड़ क्लिप ली थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल वगैरह बनानी नहीं आती, मैं सिंपल ही रखती हूँ, छोटी कर लेती हूँ या पीछे पौनी कर लेती हूँ या फिर खुले बाल में रहती हूँ, तो आज मुझे लगा कि चलो वो क्लिप ले आई थी ना, तो वो लगाया। और अभी सुबह का टाइम ही हो रहा था तो पोहा खाया, और बस फिर पटेल गए थे, पटेल के जस्ट सामने भी ना एक मॉल है, वहाँ पर चले गए थे। वहाँ पे ऐसे ना आज बना हुआ था फोटो वगैरह, वैलेंटाइन डे आ रहा था ना उस वीक में। ये वीडियो इस हफ्ते की नहीं है, पिछले वीक की है, मतलब जो ये सैटरडे संडे गया वो सैटरडे संडे नहीं, उसके पहले वाले, मतलब जो बीत गया वो वाले सैटरडे संडे का है। तो घर पर आई, बस 10-15 मिनट के लिए ही गई थी, बस थोड़ा बाहर निकल जाओ ना मन बदल जाता है, नहीं तो घर में बैठे बैठे छुट्टी के दिन तो और भी बोर ही होता है। तो बस क्योंकि यहाँ पे विंटर इतना ज़्यादा रहता है ना कि ऐसे बाहर निकल के वॉक वगैरह उतना नहीं कर सकते हैं, नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाती है, तो कहीं मतलब हमें अंदर ही जाना पड़ता है, मॉल रहे या फिर कोई स्टोर रहे ऐसी जगह पे। तो बस ऐसे ही 10-15 मिनट के लिए हम निकल जाते हैं, फिर उसके बाद घर पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर घर पर आने के बाद चाय बनाया, और चाय के साथ थोड़ी भूख लग रही थी क्योंकि हमने बस पोहा ही खाया था, ऐसा कुछ खाना वगैरह नहीं खाया था, क्योंकि कल पनीर वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था ना, तो खाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर वही थोड़ा सा प्याज कट किया, मूँगफली सेक ली थी, खाना सेक लिया था, और साथ में चाय बना ली थी। तो ये शाम का हमारा नाश्ता हो गया, मतलब एक तरह से, क्योंकि सुबह में कुछ ना खाए रहो तो शाम में कुछ ना कुछ भूख लग जाती है, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाओ। और ये जो डाइनिंग टेबल का बता रही थी ना, अभी मेरे पास पुराना कपड़ा था तो मैंने ऐसे लगा दिया, क्योंकि इस पर ना अभी वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, कैमरे में नहीं आया है, क्योंकि एकदम पतले पतले स्क्रैचेस पड़ गया है ऐसे, क्योंकि ये कांच का है ना, तो प्लेट वगैरह रखते रखते थोड़ा पड़ गया था, तो मुझे लगा लाओ जो मेरे पास पुराना कपड़ा था ना वही मैंने लगा दिया है अभी के लिए।
फिलहाल अभी देखेंगे, या कुछ अच्छा मिल जाएगा तो लूँगी। और उसके बाद बर्तन इतने सारा साफ़ कर दिए थे और अंदर नहीं रखे थे, वो भी सारा जम गए हैं, तो मुझे लगा चलो पहले इसको भी अंदर रख देती हूँ, नहीं तो बहुत गिरते पड़ते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, ऐसे 7:30 अभी दिख रहा था गैस के ऊपर टाइम रहता है यहाँ पर। तो बस अब बर्तन वगैरह भी अंदर करूँगी। सबसे पहले सोच रही हूँ आज शाम में दाल चावल ही बनाती हूँ, सिंपल सा दाल चावल नहीं सॉरी खिचड़ी बना रही। ये वीडियो मैंने बताई ना बहुत टाइम पहले की, तो मैं खुद ही भूल गई हूँ कि क्या बना रही थी इस टाइम। तो बस यहाँ पे खिचड़ी बना रही हूँ, थोड़ा सा दाल चावल धो के डाला, हल्दी नमक सिंपल सा खिचड़ी ही बनाऊँगी, साथ में अचार पापड़ ले लेंगे ऐसा कुछ करके। तो इंस्टा पॉट में वहाँ मतलब चढ़ा दिए, वो होता रहेगा, उसके बाद मैं सोची बर्तन रखती हूँ, नहीं तो फिर बर्तन रखूँगी फिर उसको चढ़ाऊँगी तो देर होगी। तो यहाँ पे बर्तन सारे जितने भी सूख गए थे ना सारे बर्तन रखे, खिचड़ी भी बन गई थी, थोड़ी सी हरी चटनी ली, थोड़ा सा पापड़ सेक लिया था साथ में। तो ये हमारा आज रात का डिनर हो गया सिंपल सा ही। तो ये वीडियो थी वीकेंड की एक तरह से, सैटरडे से संडे तक की, और ये है पापड़ चटनी और खिचड़ी। बस इसी के साथ वीडियो का एंड मैं यहीं करती हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलती हूँ मैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।